नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली और कपास समेत 14 फसलों का MSP एक साथ बढ़ाया जाएगा। वहीं नीति आयोग में बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि इस साल रेट कम बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ऐसा राजनीतिक जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। दलहन और तिलहन फसलों में सबसे अधिक वृद्धि संभव है क्योंकि हम अभी तक इन दोनों में आत्मनिर्भर नहीं है। वहीं तिलहन फसलों का बाजार भाव MSP से ज्यादा है। कीमत अच्छी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा और आयात कम होगा। वहीं धान के भाव में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन लेकिन अब तक के कार्यकाल में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा अपनी सरकारी खरीद पर खर्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 2014 से मार्च 2022 तक 3,49,279 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इसके बदले किसानों को MSP के रूप में रिकॉर्ड 8,91,557 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं धान के MSP पर गेहूं, तिलहन और दलहन फसलों की तुलना में काफी अधिक राशि खर्च की गई है। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में मार्च 2022 तक 2,622.69 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई थी। इसके बदले में बता दें 4,50,789.82 करोड़ रुपए MSP के तौर पर दिए गए थे। इसलिए कहा जा सकता है कि धान के MSP में बढ़ोतरी भले ही कम हो, लेकिन खरीद सबसे ज्यादा होगी। वहीं खेती की इनपुट लागत हर साल बढ़ रही है, यानी डीजल, सिंचाई, मजदूरी, बीज और खाद पर खर्च बढ़ रहा है। इसलिए सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। लागत से 50% लाभ जोड़कर MSP तय किया जाता है। वहीं लागत में मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, वहीं पट्टे पर दी गई भूमि पर किराया, बीज और उर्वरक पर व्यय, सिंचाई व्यय, वहीं पूंजी पर ब्याज, डीजल, बिजली व्यय और पारिवारिक श्रम का मूल्य इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।